साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स गेम्स में भारतीय टीम को 9 रजत और 20 कांस्य पदक मिलाकर रायपुर लौटे भारतीय टेनिस संघ के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा का माना विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल बाजे के साथ खेल संघ के पदाधिकारी, ग्रैंड विजन के कर्मचारी और खेल प्रेमियों ने गुलदस्ता भेंट कर इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाइयां दी। इसके बाद मैनेजर होरा खुली जीप में बैठकर रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया। भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने 9 रजत और 20 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इस बड़ी उपलब्धि के साथ मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा डरबन से मुंबई होते हुए रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन पर अनेक खेलों के पदाधिकारी, ग्रैंड विजन के कर्मचारी और कई खेल प्रेमियों ने गुलदस्ता भेंट कर गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। भव्य माला पहनाकर मैनेजर होरा को खुली जीप से रवाना किया गया। इस मौके पर सबका आभार जताते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने ब्रिक्स गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की लागत से टेनिस स्टेडियम बनाया गया है। इसी खेल में हमने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट को छत्तीसगढ़ के अगले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए होरा ने कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में सभी जिलों में स्टेडियम और टेनिस कोर्ट बनाए गए हैं। यहाँ के खिलाड़ी पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे, यही हम कामना करते हैं। देखिए, इतिहास बना है भारत में। मैं डरबन की फ्लाइट से आ रहा हूँ। डरबन से अनाउंसमेंट जो चालू हुआ है भारत की ओर से कि अभी इंडिको की फ्लाइट में भी रिकॉग्नाइज किया सब लोगों ने, भारत का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और उससे बड़ा गौरव छत्तीसगढ़ के लिए कि एकमात्र छत्तीसगढ़ का मैं मैनेजर, पूरे इंडिया टीम का मैनेजर बन के गया था और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन, खास तौर से टेनिस स्टेडियम जो भूपेश बघेल जी ने यहाँ बनाया 25 करोड़ की लागत से, उसमें हमको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला है हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उस पूरे देश के लोग जब झंडा तिरंगा ऊंचा जाता है तो गौरव से हमारा मन भर जाता है। और बहुत अच्छा ट्रिप रहा, हमने बहुत सारे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं और काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है इस बार, खास तौर से टेनिस, बैडमिंटन, पैरा ओलंपिक और आपका स्विमिंग में, हर गेम में हमने ब्रॉन्ज, कहीं सिल्वर, कहीं गोल्ड, ऐसा हमने प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे खास ये है कि यहाँ के खिलाड़ियों को उसका इम्प्रेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ गांव-गांव तक, देखिए यहाँ जितने जिले हैं अभी इस सरकार में, सब जगह स्टेडियम बन गया, सब जगह टेनिस के कोर्ट बन गए हैं, तो यहाँ के खिलाड़ी हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करें, यही हम कल्पना करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किस लेवल पे किसको कितने मेडल मिले? देखिए, आकर्षी कश्यप खेल रही छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन में, इंडिया नंबर 2 है। ऐसे हमारे बहुत सारे टेनिस के भी खिलाड़ी खेल रहे हैं जो इंडिया में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं और पूरे विदेश में जाके खेल रहे हैं। माना विमानतल में गुरुचरण होरा का स्वागत करने वालों में रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अंबेडारे, ग्रैंड न्यूज संपादक संजय शुक्ला, खेल संघ के अतुल शुक्ला, रुपेंद्र सिंह चौहान, समाज सेवी कुबेर राठी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पुरुषोत्तम पांडे, गरियाबंद के कान्हा क्लब के विजय सिन्हा समेत ग्रैंड परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। विमानतल से खुली जीप में हाथों में तिरंगा लेकर निकले होरा का ऐसे स्वागत देखकर एयरपोर्ट आने वाले यात्री भी रुक कर देखने को मजबूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।